हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं SPSS जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और किस प्रकार से आप उसको रजिस्टर किए बिना लाइफ टाइम उसको यूज कर सकते हो विदाउट परचेज। SPSS 18 जो वर्जन है उसके थ्रू हम आज आपको बताने जा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे विदाउट उसको रजिस्टर किए हुए, आप बिना परचेज किए हुए उसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि उसमें कोई भी आपका ट्रायल वर्जन नहीं शो करेगा, ट्रायल वर्जन नहीं होगा, वो फुल वर्जन होगा और आपका वो लाइफ टाइम के लिए वर्क करेगा। तो विदाउट परचेज आपको किस प्रकार से उसको यूज करना है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से विदाउट समय ज्यादा लिए हुए और आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से आप उसको सेटअप इसका। तो सेटअप में जाएंगे और उसका सेटअप हम शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए सेटअप शुरू कर देते हैं, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। हमारा पास की उसका स्टार्ट होगा स्टैटिस्टिक्स 18 का। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है सिंगल, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर वर्जन नहीं दिखाना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। आफ्टर देन आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन मांगता है उसको नेक्स्ट करना है, आफ्टर देन पास की को नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉलेशन आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। इंस्टॉलेशन जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा तो पास की स्टैटिस्टिक्स का 18 का जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन उसका कंप्लीट होने में 1-2 मिनट लगेगा। देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही मिनटों में ये पूरा होने वाला है। जैसे इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है, वो रजिस्टर मांगता है, तो रजिस्टर नहीं करना है आपको। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस पर जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है उस टिक को हटाना है। ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड विद SPSS.com है, इस टिक को आपको हटाना है वरना आपका ट्रायल वर्जन हो जाएगा। और उसको हटाने के बाद टिक को आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या हुआ, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल होने की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। और लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है वो हम बताते हैं, चलिए इसको ओके करते हैं। देखिए आ गया लाइसेंस माय प्रोडक्ट नाउ, ये आता है। तो इसको अगर हम लाइसेंस को करेंगे तो होगा नहीं, इसलिए इसको हम बंद कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब ट्रायल वर्जन को हमें हटाना है, उसको लाइफ टाइम यूज करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे वो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो आपको पास स्टेटिक्स में ये फाइल है इसको हम कॉपी करेंगे इन सारी फाइलों को, और इसको जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुआ है प्रोग्राम फाइल्स में वो उसको SPSS को फोल्डर को हम देखें कहाँ पे है, तो ये 86 में जाके इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं ये मिल चुका है हमें, ये रहा SPSS इसका फोल्डर मिल गया है, और इसको ओपन करके पास की को स्टेटिक्स को वहाँ पर इसको हमें पेस्ट करना है इन फाइल्स को, जो DLL फाइल है उस फाइल को। यहाँ से भी क्लिक करके आप एक बार में हो जाएगा, वरना सारी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी फाइलें। हाँ देखिए ये सारी पेस्ट हो चुकी हैं। आफ्टर देन इसको हम विंडो को क्लोज कर देंगे ये सारी इंस्टॉलेशन के बाद। उसके बाद हम इसको एक बार स्टार्ट करेंगे SPSS को। तो यहाँ पे पास 18 में जाके आपको पास स्टैटिक्स 18 है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो चुका है, ये आ चुका है पास W स्टैटिक्स, और इसमें आपका ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, आपका SPSS रेडी है, आपका सॉफ्टवेयर ये देखिए पूरा ओपन है, इसमें कोई भी आपका ट्रायल वर्जन आपको शो नहीं हो रहा है, आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं और विदाउट ए परचेज आपको परचेज करने की जरूरत नहीं। तो जल्दी से आप इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए और इसको किस प्रकार से आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में वो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बता दिया है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नया जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।